आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। इसमें ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम देखेंगे, मॉडर्न आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम देखेंगे। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम मतलब शिक्षण सहायता सहायक प्रणाली। जो जो चीज़ें टीचिंग के अंदर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करती हैं उनको वो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में आती हैं। द टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इसके अंदर क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रेटजीज टूल्स एंड मीन्स, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है जिससे कि जो टीचर होते हैं वो टीचिंग लर्निंग की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले ट्रेडिशनल जो पारंपरिक शिक्षण सहायक प्रणाली है वो आती है। इसके और भी कौन क्या क्या नाम है, ट्रेडिशनल के कस्टमरी कन्वेंशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। तो ट्रेडिशनल से नाम से आप समझ रहे होंगे जो पुराने पहले से चले आ रहे हैं पारंपरिक हैं। इसको चॉक एंड टॉक मेथड भी बोलते हैं। जैसे क्लासरूम के अंदर हम पढ़ते हैं बचपन में स्कूल में, बिल्कुल वैसे ही है स्कूलिंग में जैसे होता है स्कूल टाइम में, वैसी क्लासरूम जो टीचर सेंटर्ड होती है एक तरीके से। दिस ओल्ड फैशन वे ऑफ टीचिंग वॉज ऑल अबाउट रिसाइटेशन एंड मेमोराइजेशन टेक्निक। तो इसके अंदर क्या क्या होता था, रिसाइटेशन एक तो पाठ करना और याद रखना, ये ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड में आता है। और ट्रेडिशनल रोल ऑफ इसके अंदर जो टीचिंग का टीचर का जो रोल है इस टीचिंग में, टीचर है वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजर ऑफ लर्निंग एक्टिविटी। जो भी वो करवाने वाले हैं पढ़ाने वाले हैं उसको ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। टीचर प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन देते हैं एंड एक्सपर्ट्स ऑफ नॉलेज। तो टीचर क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजर प्रोवाइडर और एक्सपर्ट इस मेथड में। अब जो पुराना जो तरीका था इसकी इसके क्या लाभ हैं और इसकी क्या नुकसान है ये देखते हैं। जो ये मेथड था इसके अंदर ज्यादा इंटरेक्शन होती थी टीचर और स्टूडेंट के बीच में, और जबकि जो एक ऑनलाइन वाला होता है उसके अंदर टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन नहीं होती है। ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम हैव टू बिल्ड द डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। तो एक जो ट्रेडिशनल क्लासरूम होती है उसके अंदर स्टूडेंट्स होते हैं वो डिसिप्लिन में रहते हैं, टाइम पे आते हैं, डिसिप्लिन से बैठते हैं, सारी चीज़ें डिसिप्लिन से करते हैं। ट्रेडिशनल क्लासरूम सिस्टम टीचिंग सिस्टम में डिसिप्लिन बिल्ड होता है बच्चों में, पर ऑनलाइन में ज़रूरी नहीं है। पता नहीं अब ऑनलाइन के अंदर बच्चा अपनी मर्जी से कैसे भी पढ़ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बच्चा डिसिप्लिन को ही फॉलो करेगा। डीमेरिट्स क्या है इसकी, इसका इसमें मेन जो एम्फेसिस होता है ना वो एग्जामिनेशन और रिजल्ट के ऊपर होता है, जबकि होना किस पर चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट पर। तो ये बिल्कुल उसके उल्टा हो गया कि यहाँ पे कर्म की चिंता नहीं फल की चिंता की जा रही है। तो ये इसकी एक डिमेरिट ही हो गई कि जो इसके ऊपर फोकस नहीं है कि कॉन्सेप्ट को कितना कितना समझ में आया बच्चे को, पर ये है कि रिजल्ट लेकर के आना है। एंड नेक्स्ट इज लैक ऑफ कोलैबोरेशन एंड ग्रुप लर्निंग। इसके अंदर क्या होता है, टीचर बच्चे को समझाते हैं, बोलते हैं, उनको पढ़ाते हैं, और एक तरीके से ज्यादातर वन वे कम्युनिकेशन होती है मेनली, और कोलैबोरेशन नहीं होता है और ना ही ग्रुप लर्निंग होती है। अगर क्लास में कुछ बच्चे बात भी कर रहे होते हैं, अगर डिस्कस भी कर रहे होते हैं कुछ, तो टीचर खुद ही टोक देते हैं, तो वहां पे ग्रुप लर्निंग का स्कोप भी बंद कर देते हैं। और टूल्स यूज्ड इन, किन किन टूल्स का यूज किया जाता है ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में, जो भी चीजें क्लासरूम में होती थी, ब्लैक बोर्ड,
ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक, चार्ट, इमेज, पोस्टर, मैप, ग्लोब्स, फ्लैश कार्ड्स, साइंस लैब अपैरेटस, मॉडल्स, वर्कबुक, ड्राइंग बुक, डिक्शनरी, इंसाइक्लोपीडिया, वैदिक मैथ टूल्स, पजल बुक, जनरल नॉलेज बुक्स, ये सारे ट्रेडिशनल टीचिंग में यूज होते हैं। इसके बाद आता है मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड। इस मेथड में टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, इट इंक्लूड्स फुल फ्लेज्ड यूजेज ऑफ हाईटेक इक्विपमेंट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। कोलैबोरेटिव लर्निंग इसमें होती है और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज द की एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न टीचिंग मेथड्स। एक ये आईसीटी, इसकी फुल फॉर्म कौन बताएगा? आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जी बहुत बढ़िया, ये आईसीटी की फुल फॉर्म है और इसके अंदर कोलैबोरेटिव लर्निंग और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होती है मॉडर्न टीचिंग मेथड्स के अंदर। मेरिट क्या क्या है इसके? मॉडर्न टीचिंग मेथड के अंदर टीचर इनका यूज करके ज्यादा सिलेबस को कवर कर सकते हैं कम टाइम में, और इसके अंदर मल्टीमीडिया का यूज होता है, मतलब वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, इमेजेस, बहुत सारी चीजों का यूज करके किया जाता है, जिससे कि क्या होता है, बच्चे के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, सब्जेक्ट होता है, वो उसको अच्छे से समझ में आता है और जो इंफॉर्मेशन होती है वो लंबे टाइम तक याद भी रहती है। ये इसके मेरिट्स हैं। अब इसके डिमेरिट्स क्या है? सबसे बड़ा डिमेरिट तो ये है कि ये आंखों को इफेक्ट करता है। जब हम लंबे टाइम तक स्क्रीन को देखते रहते हैं तो इससे आंखों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए बीच बीच में स्क्रीन से ब्रेक देते रहना चाहिए आंखों को। लेस इंटीग्रेशन विद टीचर्स, इसके अंदर टीचर से बहुत ही कम इंटीग्रेशन होती है, ये इसकी ड्रॉबैक है। इसके बाद बिलो आर फ्यू की टीचिंग टेक्निक्स बेस्ड ऑन मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड, ये कुछ टेक्निक दी हुई है आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड में। सबसे पहले फ्लिप्ड क्लासरूम। तो फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब है, एक जो नॉर्मल जो क्लासरूम होती है उसके अंदर क्या होता है, टीचर पढ़ाते हैं क्लासरूम में, उसके बाद वो होमवर्क देते हैं पढ़ने के लिए, फिर बच्चे घर से पढ़कर आते हैं। फ्लिप्ड का मतलब उल्टा कर दिया इसमें। इसमें जो बच्चे हैं वो पढ़ के जा रहे हैं, पहले क्लासरूम में जो भी डिस्कस होने वाला है उसको पहले खुद से समझ के कुछ देख के फिर आ रहे हैं, और फिर वो क्लास में टीचर से हेल्प ले रहे हैं। तो एक तरीके से जो स्टूडेंट सेंट्रिक होता है ना, कि जहाँ पर टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर की तरह होता है, तो फ्लिप्ड क्लासरूम में वही होता है। टीचर क्लास के अंदर गाइड करते हैं, बाकी जो मेन काम होता है वो बच्चे का होता है, खुद पढ़ने का। इट अलाउ स्टूडेंट टू गो बियॉन्ड देयर नॉर्मल बाउंड्रीज एंड एक्सप्लोर द लेसन बिफोर टीचर डिस्क्राइब देम इन क्लासरूम। फ्लिप कर दिया, उल्टा कर दिया, पहले पढ़ के जा रहे हैं बच्चे, फिर उसके बाद क्लासरूम में फिर टीचर उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। डिजाइन थिंकिंग एंड क्रिएटिव आइडियाज, दिस इन्वॉल्व्स रियल लाइफ केस टू इंक्रीज द क्यूरियोसिटी, एनालिटिकल स्किल, क्रिएटिविटी। इसमें जिज्ञासा, विश्लेषणात्मक कौशल, रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए वास्तविक जीवन के मामले शामिल हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट माइंड मैप्स। माइंड मैप में क्या होता है कि जैसे कोई एक सेंट्रल पॉइंट या फिर कोई भी सेंट्रल टॉपिक होता है, उसके उसके बाद उसके जो और जो टॉपिक्स होते हैं वो लिखे जाते हैं
ब्रांचेज होती हैं, और जैसे अब उसके बाद उसकी और सब ब्रांचेज और सब टॉपिक्स। तो इस तरीके से माइंड मैपिंग के बारे में आपने सुना होगा, तो वही है ये। इनको भी यूज किया जाता है आईसीटी बेस्ड मेथड्स में, और इनको अलग अलग तरीके से, जैसे कोई किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जा सकता है, नोट्स बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, या फिर जो भी हमारे माइंड के अंदर जो भी बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं उनको प्लान करने के लिए, इस तरीके से माइंड मैप की जाती है। आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड, इनके अंदर वर्चुअल रियलिटी, ये जो वीआर होती है, जिसके अंदर जैसे वो आंखों के सामने एक हेडसेट लगाया जाता है और फिर वो 3D व्यू दिखाया जाता है। तो जैसे कि अगर ह्यूमन बॉडी है, मान लो ह्यूमन बॉडी को एक तो ऐसे नॉर्मली देखते हैं किताबों में, या फिर नॉर्मली उसको देखते हैं, एक एक हम उसका 3D देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आता है। तो ये 3D वर्चुअल रियलिटी में ये होता है। और वर्चुअल लैब्स में, जैसे कि हमारी साइंस लैब्स होती हैं, एक तो फिजिकल लैब होती हैं, एक वर्चुअल लैब्स होती हैं जिनके अंदर कोई ऐसा कोई बहुत ही सेफ होती हैं, जिनमें कोई ये खतरा नहीं रहता कि कोई केमिकल गिर जाएगा या ये हो जाएगा, क्योंकि ये एक वर्चुअल लैब है, किसी ये सेफ, एक तरीके से सेफ है सीखने के लिए। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, जैसे बहुत सारे ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन, बहुत सारी अकेडमीज हैं, वो सारी इसमें आती हैं। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एंड मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, जो मूक्स होते हैं वो भी, जैसे यूडेसिटी, कोर्सेरा, खान अकेडमी, और ऐसे बहुत सारे मूक्स हैं। फ्री ऑनलाइन लर्निंग टूल्स, अलग अलग टूल्स भी ऑनलाइन होते हैं जिनकी हेल्प से सीखा जाता है, टीचिंग करी जाती है। गेमिफिकेशन, जैसे जो गेम्स होते हैं, मतलब कि सीखने के लिए कोई क्वीज हो गई या क्वीज या फिर कुछ भी इस तरीके से होते हैं ना, जिनके थ्रू सीखा जाता है, वो गेम टाइप होते हैं, वो सारे गेमिफिकेशन में आते हैं। लर्निंग थ्रू द प्ले यूजिंग क्वीजेज एंड हंट आइडियाज, अब आईसीटी में किन 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 चीजों का यूज किया जाता है। आईसीटी बेस्ड डिवाइसेस में लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक नोटबुक भी जिसको बोलते हैं, ई रीडर एक्सेट्रा, एजुकेशनल गेम्स हो गए, ऑनलाइन पजल्स, क्विज़ेस, ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स हो गए, सीडी, डीवीडी, प्रोजेक्टर, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, इन सारों को मॉडर्न और आईसीटी बेस्ड सपोर्ट सिस्टम में यूज किया जाता है। उसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टीचिंग मेथड। अब जो ट्रेडिशनल होता है, ट्रेडिशनल मेथड होता है, वो टीचर सेंटर्ड होता है, और मॉडर्न लर्नर सेंटर्ड होता है। और इसके अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज दी जाती है, जबकि मॉडर्न के अंदर सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज भी दी जाती है, साथ में स्किल बेस्ड नॉलेज, दोनों चीजें दी जाती हैं। ट्रेडिशनल मेथड होता है वो पैसिव और लिमिटेड होता है, इसमें पैसिव लर्निंग होती है, और ये बिल्कुल, इसमें इंटरेक्शन होती है बिल्कुल ही लिमिटेड इंटरेक्शन होती है स्टूडेंट टीचर के बीच में भी। और जो मॉडर्न होता है वो इंटरेक्टिव होता है और इंगेजिंग होता है, यहाँ पे एक्टिव इंगेजमेंट होती है बच्चों की। थ्योरेटिकल, ट्रेडिशनल मेथड्स में थ्योरेटिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, और जो मॉडर्न होता है उसमें कंसेप्चुअल एंड प्रैक्टिकल, मतलब यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उनको, जो भी टॉपिक्स पढ़ते हैं, जो थ्योरी होती है उसका एक तरीके से उसको अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करना, उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस देखना, ये मॉडर्न मेथड में आते हैं। यहाँ तक क्लियर है ये आप लोगों को? टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में डाउट है तो पूछ सकते हो। मैम, फर्स्ट और सेकंड पेज एक बार फिर से रिवाइज करा दीजिए स्टार्टिंग वाले।
देखिए ये और ये, इन दोनों की बात कर रहे हो ना? यस मैम। ओके, देखिए जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, इसके नाम से क्या समझ आ रहा है कि टीचिंग सपोर्ट सिस्टम जो हमारी टीचिंग में, टीचिंग को सपोर्ट करते हैं वो सिस्टम, अब इसके अंदर क्या क्या आता है? इस तरीके की अलग अलग स्ट्रेटजीज आती हैं, टूल्स आते हैं, ऐसे तरीके आते हैं जिनसे टीचर होता है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इन्हेंस करता है, उसको और इफेक्टिव बनाता है। ठीक है, उसके बाद है, ये जी समझ आए? ठीक है, उसके बाद है इसके, ये दो तरीके से होती है जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम होती है, एक तो होती है ट्रेडिशनल और एक होती है मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल सबसे पहला है, इसके अंदर जो पुराने तरीके से, जो हमारी नॉर्मली जो स्कूल के अंदर, स्कूल टाइम तक हमने जो भी पढ़ा है उस टाइम पे कोई टेक्नोलॉजी हमारे टाइम में यूज नहीं होती थी, तो इतनी इतनी ज्यादा नहीं होती थी जितनी कि अब कोविड के बाद से आई है। तो ये जो ट्रेडिशनल वाला है, ये टीचर सेंटर्ड जो क्लासरूम में जैसे होता था, चॉक एंड टॉक मेथड इसको बोलते हैं, और इसके अंदर सिर्फ जो टीचर पढ़ाते हैं उसको याद रखना, मेमोराइजेशन टेक्निक्स का यूज करना और पाठ करना, रिसाइटेशन करना, इन सब टेक्निक्स का यूज इसमें होता था। और इसमें क्या होता है कि जो टीचर होते हैं ना वो ऑर्गेनाइजर होते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं जो जो भी एक्टिविटीज होती हैं उन सबको, वही ऑर्गेनाइज करते हैं, वही इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं और वही एक्सपर्ट होते हैं। जबकि अगर हम दूसरा देखते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड अगर कोई मेथड होता तो उसके अंदर टीचर के ये सब रोल्स नहीं होते। तो ये इससे पता चल रहा है कि ये टीचर सेंटर्ड मेथड है। जी मैम, ठीक है, कुछ और कुछ कुछ? मैम प्राचीन पद्धति वाला लग रहा है ये, मतलब जैसे हाँ मैम, गुरुकुल में पढ़ाते थे थोड़ा बहुत वैसा लग रहा है, बस चॉक एंड डस्टर वाला नहीं है बस, बाकी सब तो सेम है। गुरुकुल वाला थोड़ा डिफरेंट हो जाता है वैसे, पर मतलब हम इसके अंदर जो अभी के टाइम में जो चल रहा है ना उसकी बात कर रहे हैं। गुरुकुल सिस्टम एक ये है ना कि अंग्रेजों ने नहीं दिया था, तो डिफरेंसेस हैं इनके और इनके अंदर। जी मैम जी, बिल्कुल जी चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। ठीक जी मैम। है, इवैल्यूएशन सिस्टम। अच्छा, इवैल्यूएशन सिस्टम शुरू करने से पहले आप बताइए कि इवैल्यूएशन सिस्टम में क्या होता होगा और इवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, क्या होता है इवैल्यूएशन? मैम इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन करना, जी, तो क्यों किया बच्चों का जाता है? मूल्यांकन, हाँ जी, जी मैम मूल्यांकन करके ही बच्चों को एडमिशन वगैरह देते होंगे शायद मैम। एडमिशन देते हैं। ठीक है, और क्यों करते हैं? जैसे कि आप लोगों को भी, अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को भी इवेल्युएट किया जाएगा, आपकी भी क्विजिज टेस्ट होते हैं, वो क्यों क्यों होती हैं? और अच्छे से हम कर पाए उसको पूरी तरह से, मतलब लर्निंग अच्छी तरह से हो पाए और हम ज्यादा याद रख पाए। राइट, जैसे कि अगर आपको पता है कि एक तो है कि ऐसे अभी जो क्लासेस चल रही हैं, एक तो आप लोगों को बोला जाए कि आपका कोई इवेल्युएशन नहीं होगा, कोई टेस्ट नहीं होगा, तो हो सकता है सब बच्चे ना पढ़े उतनी कॉन्सेंट्रेशन से, उतने फोकस से, उतने ध्यान से ना पढ़े। लेकिन अगर हमें ये चीज़ पता होती है कि अभी हमें इवेल्युएट किया जाएगा, तो क्या होता है कि हम ध्यान देते हैं पढ़ने की तरफ, देखते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में। इवैल्यूएशन होता है मूल्यांकन, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है, एक सिस्टम के साथ पूरा, गैदरिंग एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर जानकारी को गैदर किया जाता है और उसको एनालाइज, उसका विश्लेषण किया जाता है
और फिर उसको इंटरप्रेट किया जाता है। किस लिए क्यों किया जाता है? टू डिटरमाइन, ये पता लगाने के लिए कि किस हद तक जो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव था वो अचीव हुआ है, कितनी लर्निंग हुई है। जो ऑब्जेक्टिव था, जैसे जो भी टीचिंग का ऑब्जेक्टिव था वो किस लेवल तक अचीव हो पाया है, ये जानने के लिए, ये पता लगाने के लिए इवेल्युएशन की जाती है। द पर्पज ऑफ द इवेल्युएशन इज टू मेक अ जजमेंट अबाउट क्वालिटी और वर्थ ऑफ समथिंग। अब जैसे जितने अच्छे मार्क्स, उससे ही क्या पता लगाएंगे कि कितनी अच्छी, कितनी कितने अच्छे ढंग से पढ़ाया गया है, सीखा गया है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवेल्युएशन आते हैं, इसके मूल्यांकन के क्या उद्देश्य होते हैं। सबसे पहला है टू डायग्नोज द वीकनेस और लर्निंग डिफिकल्टी। अब जैसे ही इवेल्युएट किया जाता है तो किन्हीं बच्चों के ज्यादा मार्क्स आते हैं और किन्हीं के कम आते हैं, तो जब ज्यादा आते हैं तो पता चल जाता है कि ये ठीक कर रहा है, लेकिन जब कम आते हैं तो हमें उनकी वीकनेस के बारे में पता चलता है कि इस बच्चे को ढंग से समझ में नहीं आ रहा है और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। टू टेस्ट द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, उनकी उपलब्धि का परीक्षण करने के लिए इवेल्युएशन की जाती है। टू फैमिलराइज द टीचर विद नेचर ऑफ पीपल लर्निंग डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। शिक्षक को विकास और प्रगति सीखने वाले लोगों की प्रकृति से परिचित कराने के लिए भी इवेल्युएशन की जाती है। टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ टीचर्स, टीचर कितने एफिशिएंट हैं, जितने एफिशिएंट टीचर होंगे उतनी अच्छी आउटपुट आएगी, ऐसा माना जाता है। तो ये एफिशिएंसी को चेक करता है टीचर्स की। टू मेजर द फिटनेस ऑफ स्टूडेंट फॉर प्रमोशन एंड एडमिशन टू हायर कोर्सेज। अब कौन बच्चा कितना कितना, अगर किसी को एक क्लास जब तक क्लियर नहीं होती तब तक उसको आगे का नहीं पढ़ाया जाता, तो इसलिए स्टूडेंट्स की फिटनेस को मेजर किया जाता है और फिर उनको आगे प्रमोट करने के लिए इवेल्युएशन की जाती है। टू हेल्प इन सिलेक्शन इन जॉब्स, नौकरियों में चयन में मदद करने के लिए भी इवेल्युएशन की जाती है। ऑब्जेक्टिव्स के बाद आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इफेक्टिव इवेल्युएशन सिस्टम। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है कॉम्प्रीहेंसिव। इसके लक्षण है कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव का मतलब है कि पूरे में से, ओवर, पूरे पूरे को कवर करते हुए। जैसे अगर कोई बच्चा है, उसके हम हर एक एस्पेक्ट को देखेंगे, उसके फिजिकल हेल्थ को भी चेक करेंगे, उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स को भी चेक करेंगे, इमोशनल एस्पेक्ट्स को भी चेक करेंगे, सोशली वो बच्चा कैसा है ये भी चेक करेंगे, एकेडमिकली कैसा है ये भी चेक करेंगे। तो जो इवेल्युएशन होता है वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, इस तरीके से डिजाइन किया जाता है। द इवेल्युएशन सिस्टम शुड बी डिजाइंड टू एक्सेस ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड्स डेवलपमेंट एंड शुड इवेल्युएट अ चाइल्ड्स परफॉर्मेंस इन डिटेल। चाइल्ड के डेवलपमेंट के हर एक एस्पेक्ट को कवर करने के लिए और उसकी परफॉर्मेंस को डिटेल में जानने के लिए इवेल्युएशन होता है। कॉन्टिन्यूअस, जैसे कि हम जिंदगी भर सीखते रहते हैं हमेशा, जैसे लर्निंग कॉन्टिन्यूअस होती है ऐसे ही इवेल्युएशन भी कॉन्टिन्यूअस होती है। जैसे बोलते हैं ना कि जिंदगी सिखाती है और कभी-कभी मुश्किलें आती हैं, तो वो मुश्किलें किस लिए आती है? इवेल्युएट करने के लिए, हमें चेक करने के लिए। लर्निंग इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, सो इज इट्स इवेल्युएशन। इवेल्युएशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड इज इम्प्लीमेंटेड टिल द टाइम अ प्यूपिल इज फॉर्मली एंगेज्ड इन द लर्निंग प्रोसेस। तो जब तक एक बच्चा फॉर्मल तरीके से खुद से पढ़ने नहीं लग जाता है, लर्निंग प्रोसेस में नहीं लग जाता है, तब तक वो हमेशा चलती रहती है इवेल्युएशन। इसके बाद नेक्स्ट, सिस्टमैटिक। एनी प्रोसेस, किसी कोई भी प्रोसेस
जिसको हम इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाना चाहते हैं, इसलिए उसका सिस्टमेटिक होना जरूरी है। जब तक अगर कोई चीज सिस्टम से नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है, तो वो मतलब ऐसे ही कुछ भी बना दिया गया है तो वो इफेक्टिव हो ही नहीं सकती है। इन केस ऑफ एन इवेल्युएशन सिस्टम द मेथड्स अप्लाइड एंड प्रोसेस फॉलोड शुड बी क्लियरली डिफाइंड। तो जो भी मेथड अप्लाई करने वाले हैं, जिस भी तरीके से इवेल्युएट करने वाले हैं, जो प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं, वो सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे हम करने वाले हैं इवेल्युएशन, क्या चीज इवेल्युएट करने वाले हैं, ये क्लैरिटी क्लियर होना चाहिए। वो सारी चीजें डिफाइंड होनी चाहिए पहले से। और प्रोवाइड्स फीडबैक, ये कैरेक्टरिस्टिक है इवेल्युएशन की कि इवेल्युएशन से फीडबैक मिलती है। अब अगर इससे पता चल जाता है कि कितने इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, या फिर कितने अच्छे ढंग से सीखा गया है, या फिर कहाँ पे लैक कर रहा है स्टूडेंट, उनकी वीकनेसेस का, उनकी स्ट्रेंथ का, इससे पता चलता है। इवेल्युएशन सिस्टम शुड प्रोवाइड स्टूडेंट विद रेलेवेंट फीडबैक सो दैट दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। इंक्लूजन ऑफ टेक्नोलॉजी, अब जो इवेल्युएशन होता है उसके अंदर टेक्नोलॉजी को भी ऐड इंक्लूड किया जाता है, जिससे कि वो और ज्यादा मोर एक्यूरेट और वैलिड हो सके। इंक्लूजन इसके बाद आते हैं एलिमेंट्स ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम। ये एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहला जो एलिमेंट होता है, तत्व होता है, वो है ऑडियंस। ऑडियंस मतलब जिनको इवेल्युएट किया जा रहा है। मतलब अगर क्लासरूम में हम बात करते हैं तो ऑडियंस कौन है? स्टूडेंट्स। ऑडियंस इज द सेट ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर गेटिंग इवेल्युएटेड। पर्पस, अब इवेल्युएशन का क्या पर्पस होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है? वो पर्पस इज द एजेंडा फॉर विच द इवेल्युएशन इज बीइंग कंडक्टेड। किस पर्पस के लिए की जा रही है इवेल्युएशन, क्या एजेंडा है उसके पीछे? और क्या होता है इसका एलिमेंट? क्वेश्चंस, क्वेश्चंस होते हैं, जैसे क्वेश्चंस के द्वारा ही इवेल्युएशन की जाती है। क्वेश्चंस आर द क्वेरीज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड। इनको इन क्वेश्चंस को पूछ करके फिर आंसर देते हैं। इवेल्युएशन में स्कोप, स्कोप होता है जैसे कि इन चीजों को इवेल्युएट किया जाएगा, इन चीजों को इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। जैसे यूजीसी का भी एग्जाम होता है तो उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग को एग्जामिन करते हैं, और मेमोराइजेशन को भी करते हैं, आप कितना, और क्या क्या चीजें, रिसर्च स्किल्स को, टीचिंग स्किल्स को, इस तरीके से इन इन स्किल्स का होता है। पर ऐसा नहीं होता कि फिजिकल हेल्थ को चेक किया जाता है। तो एक दायरा होता है कि इन चीजों को किया जाएगा इवेलुएट, इन चीजों को नहीं किया जाएगा। स्कोप इज वाइड एरिया इन विच इवेलुएशन इज एप्लीकेबल और इज इम्प्लीमेंटेड। दायरा वह विस्तृत क्षेत्र है जिसमें मूल्यांकन लागू होता है या लागू किया जाता है। रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर ऑल वेरिएबल दैट टुगेदर कंबाइन टू फॉर्म द इवेल्युएशन सिस्टम। अब कैसे, क्या क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे इवेल्युएशन सिस्टम में एक टीचर हो सकते हैं, टाइम हो सकता है, टाइम भी एक रिसोर्स है, और जैसे क्लासरूम हो गई, तो इस तरीके से कोई टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है वो हो गई। ऐसे ये सारे रिसोर्सेज मिलके इवेल्युएशन सिस्टम को तैयार करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन सिस्टम। सबसे पहले क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव है उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि हम क्या क्या चीजें अचीव करना चाहते हैं इस लर्निंग प्रोसेस, इस टीचिंग प्रोसेस के द्वारा। पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उनको
आइडेंटिफाई करने के बाद टॉपिक्स को डिसाइड किया जाता है। जब ये पता चल गया कि क्या चीजें इवेलुएट करनी है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद टॉपिक्स को सिलेक्ट किया जाएगा। टॉपिक्स को सिलेक्ट करने के बाद क्या पढ़ाना है, उसको सिलेक्ट करने के बाद प्लानिंग सुटेबल लर्निंग एक्टिविटीज। अब उसके लिए किस तरीके से पढ़ाया जाए, अब उसको उसके बारे में प्लानिंग की जाएगी। अब लर्निंग एक्टिविटीज को प्लान करने के बाद इवेलुएशन होगा, और इवेलुएशन होने के बाद जो रिजल्ट आएंगे, इवेलुएशन के जो टेस्ट लिया गया उसका जो रिजल्ट आएगा, मार्क्स आएंगे, उनको एज अ फीडबैक यूज किया जाएगा, और फिर वापस से देखा जाएगा कि वो कितनी इफेक्टिव है, अगर क्या चीजें कितने अच्छे से काम करी, जो अभी तक की जो पूरा पूरी जो प्रोसेस थी, मेथड्स कितने अच्छे कितने इफेक्टिव थे, उनको फीडबैक की तरह उनके ऊपर फिर देखा जाएगा। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। यहाँ तक क्लियर है ना आपको? यस ओके। टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन में सबसे पहला बेसिक, तीन टाइप से इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू बेसिक अप्रोचेस, बुनियादी दृष्टिकोण के आधार पे के अनुसार। क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन मात्रात्मक, और क्वालिटेटिव इवेल्युएशन गुणात्मक। इनको याद रखना है किस बेसिस पे क्या, कौन कौन से क्या क्या टाइप हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देश के चरण के आधार पर, ये चार हैं, कौन कौन से हैं, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव रचनात्मक, डायग्नोस्टिक नैदानिक, सम्मेटिव योगात्मक। और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेफरेंस, संदर्भ की प्रकृति के आधार पर, किस संदर्भ में, नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड, इनको अभी हम देखेंगे। सबसे पहले है हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू बेसिक अप्रोचेस और नेचर ऑफ रेफरेंस, इन दो बेसिस पे देखते हैं पहले। सबसे पहला है अकॉर्डिंग टू बेसिक अप्रोचेस, क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन आता है, और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर जो रिटन एग्जाम होता है, ओरल एग्जाम होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम होता है, ये सारे आते हैं। और इसके अंदर क्या, क्वालिटेटिव के अंदर क्या आता है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, रेटिंग स्केल। अब इसका एग्जाम्पल हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी शॉपिंग ऐप होती है, जैसे अमेजोन है, तो वहां पे क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरीके के रिव्यूज दिए होते हैं। क्वांटिटेटिव जैसे कोई किसी ने कमेंट करके बताया हो अपना रिव्यू दिया हो, और क्वालिटेटिव, सॉरी क्वांटिटेटिव में, हाँ क्वालिटेटिव में क्या हो जाएगा, जो रेटिंग दे, 5 में से इतनी रेटिंग, 5 में से 4 रेटिंग, 3 रेटिंग, तो वो क्वालिटेटिव का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, उसके बाद ये हम बाद में देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रेफरेंस, ये दो तरीके से डिवाइडेड है। पहला है नॉर्म रेफरेंस, और दूसरा क्या था, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड। तो जो नॉर्म रेफरेंस्ड होता है उसके अंदर नॉर्मली जो भी टेस्ट होते हैं, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो गया, यूजीसी नेट का जो एग्जाम है, ये भी नॉर्म रेफरेंस का एग्जाम्पल है। और इसके अंदर क्या होता है, रेफर्स टू, इसमें स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट दैट आर डिजाइंड टू कंपेयर एंड कंपेयर रैंक टेस्ट टेकर्स इन रिलेशन टू वन अदर। मतलब इसमें कंपेयर किया जाता है, यहाँ पे कंपैरिजन होता है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इसको यूज किया जाता है, जैसे इसका एग्जाम्पल है कि राजेश स्कोर्ड 98 परसेंटाइल, विच मीन्स
ओनली 2% कैंडिडेट स्कोर्ड बेटर देन हिम। नॉर्म रेफरेंस सिंपल वर्ड्स में यही है कि जो भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं जिनमें कंपैरिजन किया जाता है, जैसे क्लासरूम में कोई टेस्ट हुआ उसमें एक बच्चे के दूसरे बच्चे से इतने ज्यादा मार्क्स आई, किसी की फर्स्ट पोजीशन आई, किसी की सेकंड पोजीशन आई, तो वो नॉर्म रेफरेंस्ड का एग्जाम्पल है। अब जो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन होता है, इसके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं किया जाता है, बल्कि एक पहले से एक क्राइटेरिया सेट होता है कि इतना 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 आपको आना चाहिए, इतनी स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। क्राइटेरियन रेफरेंस्ड असेसमेंट मीन्स दैट टीचर जजमेंट्स अबाउट हाउ अ स्टूडेंट डज इन एन असेसमेंट टास्क आर बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड एंड क्राइटेरिया दैट आर प्री डिटरमाइंड। तो इसके अंदर जो भी क्राइटेरिया और जो भी स्टैंडर्ड होते हैं वो पहले से डिटरमाइंड होते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ड्राइविंग टेस्ट। ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले जो ड्राइविंग टेस्ट करते हैं उनके अंदर किस टेस्ट का यूज किया जाता है? क्राइटेरियन रेफरेंस्ड का, क्योंकि वहां पे गोल होता है ये देखना कि जो टेस्ट देने वाला है वो कितना स्किल्ड है, वो उसके पास इतनी स्किल्स हैं कि नहीं कि उसे ड्राइविंग लाइसेंस दिया जा सके, और ये देखने के लिए नहीं है कि उसे किससे ज्यादा बेटर ड्राइविंग आती है या फिर उस किसी से कंपेयर करने के लिए नहीं है। ये था क्राइटेरियन रेफरेंस्ड इवेल्युएशन। बाकी के हम कल करेंगे, इनमें से कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। रिवाइज करें अगर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, मैम, ये क्वालिटेटिव वाला ही आपने नहीं बताया क्या? क्वालिटेटिव वाला बताया है ना। ये क्वालिटेटिव ही था, ड्राइविंग टेस्ट वाला जो बताया मेरे को से। इज ये देखिए, ये इट रहा क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव में, जैसे वो एग्जाम्पल था कि कोई भी शॉपिंग ऐप होती है उसमें जो रिव्यूज दिए होते हैं, अब किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज में एक तो दो चीजें होती है, एक तो कमेंट करके इन लोगों ने बताया होता है और एक होता है कि जहाँ पे रेटिंग दी हुई होती है, तो जो रेटिंग होती है वो किस में आ जाएगी? क्वालिटेटिव में, जो उसकी गुणात्मक उसके बारे में बता रहे हैं। और एक क्वांटिटेटिव होता है जो मात्रात्मक जो बताते हैं, और उसमें उसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसके बाकी एग्जाम्पल, जैसे रिटन एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, ये सारे आते हैं इसमें। ठीक है ठीक है मैम, थैंक यू। जी, चलिए आज हमने क्या क्या पढ़ा है? इवैल्यूएशन सिस्टम पढ़ा है मैम। हाँ, और इवैल्यूएशन सिस्टम से पहले क्या पढ़ा था? जो जो टूल्स यूज किए जाते हैं शिक्षण में, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। हाँ, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में कौन से दो तरीके देखे थे हमने? तो ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न कह जो, सकते हैं या ऑनलाइन कह सकते हाँ हैं। जी, मॉडर्न और ट्रेडिशनल। जो ट्रेडिशनल है उसमें क्या होता है? ट्रेडिशनल के बारे में बताइए, और क्या क्या नाम होते हैं पहले तो ये बताइए ट्रेडिशनल के। ट्रेडिशन में हम सब लोग जानते हैं कि ब्लैक बोर्ड होता था, डस्टर होता था, चॉक होता था, ठीक है, और एक बोर्ड होता था जिसमें पूरा क्लास में कब कब क्या क्या पढ़ाई होती, कौन कौन सा टीचर कौन कौन सा क्लास में था, ये सब फ्लिप बोर्ड्स वगैरह होते थे, ठीक है मैम, ये सब चीज़ें जी होते, नोटिस बोर्ड होता था, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल वाले में होता था। मॉडर्न वाले में तो पूरा कंप्यूटर बेस्ड है, आईसीटी बेस्ड है, ठीक है, ऑनलाइन है, ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर होता है, इसमें आपके इंटरनेट की आवश्यकता पड़ती है। बाकी वो लिसनर होंगे या टीचर होंगे।
और ये बताइए कि जो मॉडर्न वर्चुअल ट्रेडिशनल वाला भी आप, मैम एक चीज आपने आप बताया था वर्चुअल लैब की भी बात की थी आपने, वो वर्चुअल लैब में क्या होता है, थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट मेरे को डाउट रह गया था कि आई हैव नॉट सीन दैट वर्चुअल वन, की कैसे लैब में कैसे करेंगे, वर्चुअली कैसे करेंगे, हाँ, ये कंप्यूटर पे ही तो होगा बहुत वो भी। इसके बारे में तो आपको सर्च करना पड़ेगा, पर जैसे कि हमारी वैसी मैम लैब होती है एक ना। एक हाँ मोटा जी, मोटा ये एसेस कर सकते, अंदाज लगा रहा हूँ मैं, जस्ट आई एम गेसिंग कि पूरा कंप्यूटर पे स्क्रीन पे आएगा कि समबडी विल बी शोइंग कि ऐसे होता है ऑक्सीजन गैस की हम जो बनाएंगे लैब में तो कैसे बनेगा, कि समवेयर आपका कौन सा होता है KMnO4 को हीट करेंगे तो ऐसे होगा, पाइप से होके ऐसे यहाँ कनेक्ट होगा, लाइक दैट इस तरह की चीजें होगी, आई होप सो यही चीज होगा, वर्चुअल लैब हुआ है। जैसे लैब में कोई किसी भी लैब में जाते हैं तो हमारा टीचर हमें बताता है कि ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसे ऐसे आपका गैस बनेगा, ऐसे यहाँ पे आपको गैस को कनेक्ट करेंगे, ठीक है मैम। जी ठीक है। बाकी अगर आपको और डिटेल में आपको जानना हो तो आप इसके बारे में पढ़ कर आइएगा और हमें भी बताइएगा क्लासरूम में इन ठीक है वर्चुअल मैम, लैब्स ठीक के बारे में। जी ठीक है। हाँ, और कोई बताइए, ट्रेडिशनल सिस्टम सपोर्ट सिस्टम के और क्या-क्या नाम है? कन्वेंशन। हाँ जी, कन्वेंशनल। और याद है? ट्रेडिशनल के कस्टमरी, प्रथागत, कन्वेंशनल। फॉर्मल फॉर्मल भी होगा मैम, फॉर्मल एजुकेशन होता है ना जो स्कूल कॉलेज में होते हैं जो, तो फॉर्मल भी होगा वो। इनके नहीं, वो उसके अंदर आएगा वो। हाँ ठीक है, मतलब बोल सकते हैं, फॉर्मल भी बोल सकते हैं। फॉर्मल बोलेंगे, नॉन फॉर्मल हो जाएगा कि जो आपका ऑनलाइन वगैरह जो सिस्टम है ना वो नॉन फॉर्मल में आएगा। और चॉक एंड टॉप मेथड भी बोलते हैं इसको। और क्या इसके क्या लाभ, क्या हानि, गुण अवगुण क्या क्या है बताइए। जी मैम, सबसे पहला लाभ तो ये हमको याद है जी, आपने बोला था कि ये आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई जा सकती है, लेस टाइम कंज्यूमिंग है जो आपका फॉर्मल सिस्टम है, ठीक है। और उसमें है कि आपका पूरा चलता रहेगा आपको आप जब, लेकिन उसमें उसके और भी फायदे हैं, उसके नुकसान तो मुझे नहीं लग रहा है कि नॉन फॉर्मल के कुछ नुकसान है जैसे मॉडल सिस्टम के, कि वो ऑलरेडी वो अपना ब्रॉडकास्ट होता रहता है, जब आपको टाइम मिलेगा तब आप देख सकते हैं। बस यहाँ पे और क्या एडवांटेज हो सकता है कि आप इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन हो सकता है, ज़्यादा मोटिवेशन हो सकता है बच्चों का, क्योंकि टीचर आपके सामने बैठा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेंटिवली आप सुनेंगे उस लेक्चर को, ठीक है। यदि ऑनलाइन होगा जैसे मॉडल सिस्टम वाला है सिस्टम होगा तो उसमें आप आराम से बिस्तर पर लेट के देखेंगे, तो आई थिंक दैट विल नॉट बी सो सीरियस, मतलब मेजोरिटी मे नॉट बी दैट मच सीरियस, लेकिन आप क्लास रूम में बैठे तो आपको एकदम एकदम आपका अलर्ट होके बैठना पड़ेगा, टाइट होके बैठना पड़ेगा, ठीक है। तो यू कैन ग्रास्प मोर मोर चांसेस ऑफ कंसेंट्रेशन इज देयर, वहाँ यहाँ पे कंसेंट्रेशन डाइवर्ट होने के ज़्यादा चांसेस है मॉडर्न सिस्टम्स के, ये एडवांटेज इस वन एडवांटेज होगा दोनों सिस्टम के। ठीक है। और डिमेरिट और बताइए दोनों की, कौन बताएगा? पहला डिमेरिट तो है ही मैम कि ये है कि आपका जो एलाइट पीपल हो, जो आप पढ़ने वाले हैं जिसके पास रिसोर्सेज होगा वही जाके स्कूल में नाम, आजकल तो खैर फ्री एजुकेशन है लेकिन फिर भी आपको आपके पेरेंट्स से स्पेयर करेंगे तभी तो आप जाओ पढ़ोगे, ठीक है। यदि आपके पेरेंट्स
परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो यू विल नॉट एबल टू गो टू द स्कूल, दैट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। मॉडल सिस्टम में है कि कोई बात नहीं है, स्पेयर नहीं कर रहे हैं हमें अपने फादर के साथ या हमारे मदर के साथ कहीं काम में लगना है तो वी विल नॉट एबल टू अटेंड द फॉर्मल सिस्टम ऑफ एजुकेशन। तो आप तो जब आप फ्री होंगे तो हम मॉडल सिस्टम में जैसे ऑनलाइन है तो वो आप देख सकते हैं। दिस इज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हाँ जी ठीक है, और इन दोनों में डिफरेंस और बताइए। चलिए ये बता ही दिया है, पर जो हमने लास्ट में जो टेबल देखी थी ना, अच्छा हाँ, इसके ये फ्लिप्ड क्लासरूम क्या होता है? एनीवन? इसमें क्या है, फ्लिप क्लासरूम में है कि जो भी आपकी जो लर्निंग का एक वो सिलेबस होता है ना कि हमें इतना इतना पढ़ना है, ठीक है, एक सिलेबस बाउंड होता है, लेकिन उसके बियॉन्ड भी यदि स्टूडेंट्स जाता है, उसकी ज़्यादा उसके डेप्थ में जाता है लर्निंग करने के लिए, तो वो फ्लिप क्लासरूम हो गया, उससे बियॉन्ड जा रहा है अपने जो भी आपका प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है, जो भी आपका टॉपिक्स है उसके बियॉन्ड यदि जा रहे हैं तो दैट इज ए फ्लिप क्लासरूम। हाँ, और इसमें सबसे मेन ये होता है कि जैसे कि जो नॉर्मल क्लासरूम होती है, कन्वेंशनल क्लासरूम, उसमें क्या होता है, टीचर पहले पढ़ाते हैं, फिर उसके बाद स्टूडेंट को होमवर्क देते हैं, फिर वो घर जाके पढ़ते हैं। पर इसमें उल्टा समझ लो, फ्लिप्ड का मतलब उल्टा हो गया कि पहले स्टूडेंट उसको देख के आ रहे हैं कि जो भी उनको बोला गया है, ये जो भी टॉपिक है उसको पहले देख के आ रहे हैं, फिर उसके बाद क्लासरूम के अंदर टीचर उसको डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा है। जी मैम, जी 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 थैंक यू, ये से ठीक है, ध्यान देगा। बाकी ये सारे देखे थे हम। मूक गेमिफिकेशन ये सारे थे, ये टूल्स ये यूज किए जाते हैं, और होता है मॉडर्न लर्नर सेंटर्ड, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज होती है ट्रेडिशनल में, मॉडर्न में सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्लस स्किल बेस्ड नॉलेज। ट्रेडिशनल में पैसिव क्योंकि टीचर सेंटर्ड होते हैं और लिमिटेड इंटरेक्शन होती है, मॉडर्न में इंटरेक्टिव होते हैं और एक्टिव इंगेजमेंट होती है, ट्रेडिशनल में थ्योरेटिकल होते हैं, कोई रियल लाइफ एप्लीकेशन जरूरी नहीं हमें बताई जाएगी ट्रेडिशनल में क्लासरूम में, पर मॉडर्न मेथड्स में उनको कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज प्रैक्टिकल ये होते हैं। और बाकी इवेल्युएशन सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था? चलिए इवेल्युएशन के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताइए। एवेल्यूशन के ऑब्जेक्टिव का मतलब यह है मैम कि जो कुछ भी पढ़ा है बच्चे ने, हाउ मच दे हैव रिटेन्ड, ठीक है, कितना इंटरप्रीट कर पाया, कितना समझ पाया उसको, तो उसको हम एवेल्यूएट करते हैं कि हाउ मच ही हैज लर्न द थिंग्स सब्जेक्ट और हाउ मच ही हैज रिटेन्ड। आई थिंक ये है। और इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव के बारे में क्या कहेंगे कि इसको तो मेक द स्टूडेंट एलिजिबल फॉर द हायर रैंक्स ऑफ स्टडीज, ठीक है मैम, तो वो उसका उद्देश्य हो सकता है इवोल्यूशन का कि उसको कैसे प्रमोट करेंगे, वेदर ही हैज रीच्ड अप टू दैट लेवल ऑन नॉट, ठीक है ना, हिज नॉलेज इज देयर
अप टू मार्क है कि नहीं है, तो उसको नॉलेज को असेस करने के लिए, उसको एवेल्यूएट करने के लिए ये आप यही तो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अच्छा एक एक चीज बताइए कि अगर कोई टीचर सेंटर्ड मेथड है, टीचर सेंटर्ड मेथड के अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव होगा इवेल्युएट, किस चीज को इवेल्युएट किया जाएगा टीचर सेंटर्ड मेथड में? यहाँ भी तो आप बंदे ने, जैसे किसी टीचर ने लेक्चर दिया तो हाउ ही हैज ग्रास्प द थिंग्स, जो कुछ भी टीचर ने बताया है उसको कितना समझा, उसको कितना ही हैज रिटेन इट, ठीक है, उसकी रिटेंटिविटी, उसकी अंडरस्टैंडिंग, और उसके ऊपर इवन यू कैन गो बियॉन्ड दैट क्रिटिकल थिंकिंग आल्सो यू कैन असेस कि बंदे नहीं ने देख, कितना समझा उसको। जो टीचर सेंटर्ड होता है उसके अंदर आपको याद हो तो उसके अंदर सिर्फ रिकॉल और मेमोराइजेशन होती है कि कितना याद रखा, तो उसमें टीचर सिर्फ ये पूछने के लिए, ये चेक करने के लिए कि बच्चे ने जितना मैंने पढ़ाया उतना याद रखा है कि नहीं, उतना उद्देश्य होता है टीचर सेंटर्ड का। और जो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है उसके अंदर उसको कितना समझ आया है, उसके अंदर फिर हम क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग इनकी बात करेंगे। ठीक है। ठीक है मैम। इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, कॉम्प्रिहेंसिव, कॉन्टिन्यूअस, सिस्टमैटिक, ये सारी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए। बताइए। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ये है मैम कि ये बच्चे में कितना विकास हो पाया आपके उससे, जो कुछ भी पढ़ा है उसकी वजह से। सपोज करो कि उसने फ्रूट्स का नेम मेमोराइज किया है तो आप कितना तक वो रिटेन कर पाया है, मेरे तरह से यही होगा। उसके परफॉर्मेंस के मतलब उसमें कितना कुछ सीखा है क्लास में आके, उसका मूल्यांकन करेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा वो। कंटिन्यूअस का मतलब यह है कि लगातार, हर रोज तो डेवलपमेंट होता ही है, हर रोज कुछ ना कुछ बच्चा सीखता ही है, ठीक है, तो वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो उसमें आप उसको, उस लर्निंग प्रोसेस को आप कैसे टेस्ट कर लेते हैं, नहीं तो कंटिन्यूअस प्रोसेस कह सकते हैं। अच्छा देखिए मैं बताती हूँ। देखिए जो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, कोई और बताना चाहेगा कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्टिन्यूस इनके बारे में? मैम जिसमें लगातार सीखते रहता है, मतलब लर्निंग के थ्रू भी और प्रैक्टिकल रूप से भी। सीखते रहते हैं। हेलो, देखिए अच्छा ये बताइए कि हम क्या टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? मैम वो सीख मतलब जो मैं टीचिंग से रिलेटेड जो है ना मैम, स्टूडेंट हम इवैल्यूएशन सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो ये जी कॉन्टिन्यूअस होती है इवैल्यूएशन, कैसी होनी चाहिए इवैल्यूएशन? कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, मतलब जब जैसे जैसे पढ़ाई हो रही है उसके साथ साथ इवैल्यूएशन भी चलती रहेगी कॉन्टिन्यूअस। जी और जो कॉम्प्रिहेंसिव होता है उसका मतलब है कि बच्चे की हर एक एस्पेक्ट को चेक किया जाएगा, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना चाहिए, इस तरीके की इवैल्यूएशन होनी चाहिए। अब ये नहीं कि सिर्फ जैसे कि कोई क्लास है उसके अंदर सिर्फ हमने ये देख लिया कि, या तो ये देख लिया कि सिर्फ फिजिक्स का टेस्ट, फिजिक्स का एग्जाम हो रहा है, केमिस्ट्री का कोई एग्जाम ही नहीं, तो ऐसे नहीं। हम सभी चीजों को चेक करते जो भी है उसके अंदर, चाइल्ड के पूरे, उसकी इमोशनल हेल्थ, उसकी इमोशनल
उसके इमोशनल एस्पेक्ट को, फिजिकल एस्पेक्ट को, उसके सोशल एस्पेक्ट को, एकेडमिकली कैसा कर रहा है बच्चा, तो पूरा ओवरऑल चेक किया जाता है, वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है। इसका मतलब कॉम्प्रिहेंसिव का ये मतलब होता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बताइए सिस्टमैटिक। मैम मूल्यांकन जो होता है वो सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए और होता है, जिससे कि उसका जो जो मतलब उससे स्किल अच्छी तरह से उभर के वो आ पाती है। बिल्कुल। और कैसा होना चाहिए, और क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं? फीडबैक मिलेगा तभी जाके पता चलेगा कि हाँ बच्चा कितना समझ रहा है, कितना नहीं, उसके अंदर जो मूल्यांकन हम कर रहे हैं वो कितना कुछ सीख रहे हैं, तो एक फीडबैक भी मिलता है, तब जाके हमें पता चलता है कि हाँ भी क्या क्या चीज़ कमी है, हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है। जैसे कोई भी बच्चा है मैम कि एग्जामिनेशन दिया और उसमें से कुछ आंसर कर पाया कुछ आंसर नहीं कर पाया, तो नोट जोड़ नहीं कर पाया, इसका मतलब कि हमें ये फीडबैक मिल रहा है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट बिल्डअप उस क्वेश्चंस के लिए रेडी नहीं था, तो ये एक तरह का फीडबैक मिल गया, तो आपको उसको यू कैन गिव अटेंशन ऑन दैट पॉइंट। ठीक है, राइट। ठीक है, अब इसके बाद ये सारे एलिमेंट्स हैं इसके, याद रखना, ऑडियंस, उसका पर्पस, क्वेश्चंस होते हैं, स्कोप होता है, रिसोर्सेज होते हैं, ऑडियंस के अंदर जो जिसको इवैल्यूएट किया जा रहा है, पर्पस उसका क्या क्या उद्देश्य क्या है इवैल्यूएट करने का, क्या चीज़ इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं हम, और क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन पूछे चाहते हैं, स्कोप कि क्या चीज़ इवैल्यूएट की जाएगी, किस चीज़ को इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, उसका एक दायरा होता है, रिसोर्सेज जो जो भी इवैल्यूएशन सिस्टम जिन भी रिसोर्सेज से मिलके बनता है, क्लासरूम, टीचर, और जो भी इस तरीके से टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें, और प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन सिस्टम बताइए। पहले पर्पस डिसाइड होता है कि हाँ भी किस चीज़ के ऊपर करनी है वैल्यूएशन, फिर उस बाद में क्या चीज़ पढ़ाई जानी है उनको, विषयों का चयन, फिर उस जो पढ़ाया जाएगा उसके अंदर कैसी कैसी गतिविधियाँ, कैसे कैसे एक्टिविटीज़ यूज़ की जाएगी, फिर बाद में इवेल्युएटिंग की जाती है, फिर उसके रिजल्ट या फीडबैक के रूप में उसका उपयोग करते हैं। टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन तीन तरह के होते हैं, किस किस बेसिस पे होते हैं? दृष्टिकोण के आधार पर और निर्देश के चरण के आधार पर और संदर्भ की प्रकृति के आधार पर। क्या जो दृष्टिकोण के अनुसार के आधार पर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इनके एग्जाम्पल दीजिए, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव के। क्वांटिटेटिव जिसमें कि मात्रात्मक, जैसे कि लिखवा करके या बुलवा करके रिटर्न या तो प्रैक्टिकल भी ले करके इस चीज़ का करा जाता है इवैल्यूएशन। हाँ जी, क्वालिटेटिव इसमें मतलब रैंकिंग, या तो उनका इंटरव्यू लिया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कि कुछ बातों से या कि किस तरह से है उसका मूल्यांकन करना। हाँ, पर संदर्भ की प्रकृति के आधार पर
नॉर्म रेफरेंस्ड और क्राइटेरियन रेफरेंस्ड के बारे में बताइए। नॉर्म रेफरेंस में क्या होता है? कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिनके अंदर कंपेयर किया जाता है, जैसे कोई कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया। और जो क्राइटेरियन रेफरेंस्ड होता है, इसके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई पोजीशन नहीं है, सिर्फ एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि ये स्किल, इतनी स्किल आपके पास होनी चाहिए। वो जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है?